तो सभी लोग ध्यान रखें, कुछ लोग थोड़ा सा जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अच्छे नहीं रहे, टाइट है, आशीर्वाद हो, टाइट नहीं है, खेल कर व्यवस्थित बस लेना। तुम्हाला असं बसायचं आहे की तिकडे काम सर्वांना जागा भेटत आहे, एवढी हा तिकडचे पाठीमागचे इकडे आणि इकडचे साईड आहे, इकडचं टाईट चेअर जे आहे माझं म्हणजे थोड्या मोकळ्या मोकळ्या असं म्हणतात, चेअर कमी करा पाठीमागे, हा या इकडे चेअर या इकडे तुमचं टाकला तिकडं टाकला तिकडं टाकला तिकडं एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मैजिक। देखो अपने पास कुछ उपलियाँ हैं, उपलियाँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपली, सही है ना, हाँ उपलियाँ थोड़ी सी खराब हो चुकी हैं अंदर से, ओके शायद किसी कीड़े वीड़े ने इसको खा लिया होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये कुछ उपलियाँ हैं और इन उपलियों के माध्यम से आज हम आपको एक मैजिक दिखाने वाले हैं, ओके आपने देखा होगा आमतौर से कि आग लगाने के लिए जब अपन एशियन टाइम में थे, एकदम पुराना कालखंड, जब अपने पुरखे झाड़ पत्तियां लगा के घूम रहे थे, है कि नहीं, आपले एकदम जुन्या कालखंडामध्ये जे लोक होते ते झाड़ पान पत्ते लावून, वेरी गुड, हे आहेत आपले राजवीर मिनंदजी लांडगे महाराज। या महाराजांकडे एक अद्भुत ताकद आहे, यांच्याकडे एक अद्भुत ताकद आहे, काय ताकद आहे यांच्याकडे, बिना कसल्याही पद्धतीच्या माचीसने किंवा कसल्याही काही गौऱ्या आहेत, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या गौऱ्या आहेत, या गौऱ्यांना हे महाराज कसल्याच पद्धतीची माचीस न लावता आग लावू शकतात, ओके आणखी असल्या तर मला तुम्ही देऊ शकता, ओके कोई दिक्कत नाही। आता पहा ह्या ज्या सगळ्या गौऱ्या आहेत, त्या गौऱ्या एक बार ये दिखा ना, ये जो उपलिया है आप देख सकते हो क्या, ये देखो बिना हाथ लगाए इसके अंदर उन्होंने केवल मात्र जादू से फूक मार के महाराज ने आग लगाई, क्या बहुत बढ़िया, ये देखो मजा आता है महाराज, आप ध्यान दो, महाराज जो है महाराज क्या जादू कर सकते हैं ये हम आपको असल में बताने वाले हैं। ये जो मैजिक है ये महाराज बैठे बैठे बस एक फूक मार के आग लगा सकते हैं, वो भी कभी कभी महाराज मंत्र भी बहरहाल बोलते हैं, महाराज एक आध मंत्र बोले जादू मंत्र छू, ये लो ये ओम भग भुगे ओम भग निगादोदरी, ओ ऐसे आपने कई सारे ढेर सारे मंत्र सुने हुए हैं कि नहीं, मंत्रों का जाप कर करके कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी चीजों में आग लग जाती है कि नहीं। असल में ये जो आग लगाई जाती है इसके लिए आपको लेना पड़ता है घी, एक घी की बोतल लाई थी हमने, बताओ जरा, एक होता है घी, ओके ये देखो इसमें है देशी गाय का घी, क्या है देशी गाय का घी, और ये जो घी है बच्चों ये आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते वक्त किसी चीज के ऊपर घी डाला जाता है, देखा हुआ है क्या ऐसा, ऐसा घी डालते हैं, देखा हुआ है, अभी जब घी जाएगा अंदर तो घी अंदर जाने के बाद अगर आप मंत्र बोलेंगे फूक मारो जब आप इसके ऊपर घी मारेंगे और घी डालने के बाद काला जादू जानते हो ना, काला जादू करने के लिए काले नमक की पुड़िया है आपके पास,
काला जादू करने के लिए आपको लगती है काले नमक की पुड़िया। आपने इसके ऊपर घी डाला और घी डालने के बाद आपने इसके ऊपर काला जादू करने के लिए जो लगता है वो काले नमक की पुड़िया इस पे ली और डाल दी। बताओ जरा घी, बताओ घी। काले नमक की पुड़िया को आपने डाला और आपने लिया घी और ये देखो ओम भगभुगे भगनी बागोदरी। क्या आपके सामने मैंने कोई माचिस की तीली जलाई? बिना माचिस के तीली के इसमें आग कैसे लग गई महाराज की? महाराज के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। अब इसके पीछे का क्या विज्ञान है आपको समझाते हैं। ओके, एक डिबिया काले नमक की और वो एक और एक लेके आओ। अब इसके पीछे की असल में थोड़ी सी कुछ केमिस्ट्री है, वो महाराज हर्षवर्धन सर सिखाएंगे केमिस्ट्री आपको, वो अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको केवल दो बातें बताता हूँ। असल में बच्चों देखो, मेरे पास एक उपली है, दिखाई दे रही है? बोलो क्या इस उपली के ऊपर कुछ लगा हुआ है? नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर मैं एक चीज डाल रहा हूँ, इस चीज को बोला जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। बोलो क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इस उपली के ऊपर पोटेशियम पर मैग्नेट पहले से डाला हुआ होता है। वो एक कागज दो पीछे आपके गिरा हुआ। उपलियों में हमने असल में ये पोटेशियम पर मैग्नेट पहले भर दिया था और पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर हमने ग्लिसरीन डाल दिया। पहले पोटेशियम पर मैग्नेट डाला और उसके बाद हमने थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला। पोटेशियम पर मैग्नेट और ग्लिसरीन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद आग लगती है। बाहर ही आग क्यों लगती है, इसको कौन सी प्रोसेस होती है, सर बताने वाले। मैं केवल दोनों के नाम बता रहा हूँ आपको। एक है पोटेशियम पर मैग्नेट, याद रखना है, बाद में बताते रहना है सर को भी आपको। एक है पोटेशियम पर मैग्नेट और दूसरा क्या है? ग्लिसरीन। तो हमने ग्लिसरीन डाला और हमने मंत्र जपना शुरू कर दिया। ब्रूम ब्रूम J.E.I. नमः नीटाय 720 मार्काय नमः ओम भगभुगे भगनिभागोदरी ओम भट स्वाहा ओम भगभुगे ओम भगनिभागोदरी ओम भट। रिएक्शन हो रहा है अंदर, खतरनाक रिएक्शन हो रहा है। और एक मुझको इधर बारीक नमक वाली भी पूरी देना हो, खतरनाक रिएक्शन हो रहा है अंदर। तो ये महाराज क्या करते हैं, ये दोनों का मिश्रण होने नहीं देते। अभी हमने मिश्रण नहीं होने दिया है, ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो इन दोनों का जब तक मिश्रण हो जाता है महाराज क्या करते हैं पता है? तब तक मंत्रों का जाप करते हैं। दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं और दोनों चीजों को अलग अलग रख के मंत्रों का जाप करते रहते हैं। मंत्रों का जाप करते 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 जैसे ही इसके ऊपर ये डाला जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के रिएक्शन में आएंगे, वैसे क्या हो जाएगा, दोनों में आग लगना शुरू हो जाएगा। और फिर महाराज मंत्रों का जप और जोर जोर से तांडव करना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को लगेगा, लोगों को लगेगा कि महाराज ने ना तीली ली, ना माचिस ली, ना किसी प्रकार का लाइटर लिया, क्या लगा दी आग। बहरहाल अपने पे बहुत सारे लोग पहले जलते हैं और अभी अपन बिना माचिस की आग लगा रहे, जलना भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो ये प्रयोग अभी सर आपको करके दिखाएंगे शायद, और इसके ऊपर का और आपको साइंस भी समझाएंगे। सर सर ने सांगितले तुम्हाला काय झाले, मी शॉर्टकट मध्ये सांगतो तुम्हाला। अभी मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ आपको। हे गौरेजी काही घेऊन देणे, त्या गौरे नसल्या तरी चालते, काही भी असू दे चालते। इथं आपण एक पेपर जरी खाली ठेवला तरी चालते, पोटॅशियम परमॅग्नेट KMNO4। ओके, पोटॅशियम परमॅग्नेट एक चालते। जर आपण त्याच्यावर ग्लिसरीन म्हणजे काय, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन काय, ग्लिसरॉल, ह्या दोघांची केमिकल रिएक्शन केल्यावर ग्लिसरॉलची है ना, ग्लिसरॉलची आणि पोटॅशियम परमॅग्नेटची केमिकल रिएक्शन केल्यावर रिएक्शन होते एक्झोथर्मिक। जो प्रोडक्ट बनता है, है ना, प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगी, एक्झोथर्मिक में हीट बाहर निकलेगी रिएक्शन से। तो रिएक्शन मधून पड़ते हीट बाहर आणि एक स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर पड़ता स्मोक पांढऱ्या रंगाचा, आणि हीट बाहर पडल्यामुळे हीट पेट घेते आणि तिथे वॉटर वेपर सुद्धा तयार होता, त्याच्यामध्ये वॉटर सुद्धा तयार होते। आता हे कुठे भी केलं ते चालते, हातावर जरी तुम्ही तुमच्या केलं तरी जाळ पकडते।
आलं लक्षात, याला कोणत्या मंत्राची गरज नाही, काही गरज नाही, केमिस्ट्रीची डेफिनेशन नाही म्हणली तरी चालते, कारण केमिकल रिॲक्शन आणि नॅचरली ऑकरिंग स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. काय आलं लक्षात? ज्याही वेळेला आपण याला टाकतो असं खाली टेबल घ्या बेटा. आता मंजर सारखं दिसायला पोटॅशियम पर मॅग्नेट काळ्या रंगाचं. जयदेव नीट बस एक्झोथर्मिक रिएक्शन झाली सुरू. पांढऱ्या रंगाचा धूर आहे कार्बन डायऑक्साईडचा आणि याच्यामधून बाहेर काय पडलंय, याच्यामधून पडले फ्लेम हीट. हा हीट ज्या रिएक्शन मध्ये बाहेर पडते त्याला काय म्हणतो आपण? एक्झोथर्मिक रिएक्शन. ही काय? एक्झोथर्मिक रिएक्शन. आणि असं एक पोटॅशियम पर मॅग्नेट हवेच्या संपर्कात आल्यावर, ग्लिसरीन नसलं तरी चालते, ग्लिसरॉल डिहाइड नसलं तरी चालते, हवेच्या संपर्कात आल्यावर असा एक पेट घेते. म्हणजे असं जर घेतलं आणि तरी पेट घेणार आलं लक्षात, पण घेऊ शकत नाही आपण हातावर असं घेऊ शकत नाही. एक जो थर्मिक रिएक्शन आहे ही आपल्या सिलेबस आहे. ओके, सगळ्यांना समजलं? आता हे काही जादू वगैरे नाही, मंत्र वगैरे काही नाही, बाबाचं बी काही चमत्कार वगैरे नाही. ओके, नाही तर जाता बाबाच्या पाया पडून जाते. तो बच्चा पार्टी थीम यही थी कि आप कई सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें कि बाबा ऐसे बिना माचिस के तीली के आग लगाते हैं, फिर लोग बाबाओं के दर्शन लेना, उनको ढेर सारा पैसा वैसा देना या उनसे और कुछ अलग तरीके की उम्मीदें रख लेना कि बाबा और कुछ अलग चीज़ बना के देंगे या कुछ अलग करके देंगे. ऐसा आमतौर पर होता है. तो इसके पीछे क्या है? साइंस है. इसके पीछे क्या है? साइंस है. तो ऐसा गलती से कभी आप कहीं पे देखो तो ये आप पकड़ लो कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन साइंस के तरह हो रही है, ना कि ये रिएक्शन किसी भी मंत्रोपचार से हो रही है. अगर मंत्रों से ही आग लगानी होती थी, मंत्रों से ही अगर आग लगती थी तो झाड़ पत्तियाँ लगा के घूमने वाले हमारे पूर्वज पागलों की तरह पत्थर पर पत्थर घिसते बैठते थे क्या? है कि नहीं? हाँ. वहाँ से लेके अब तक यहाँ तक हमने जो साइंस को डेवलप किया हुआ है ये सब साइंस के चमत्कार है. किसके चमत्कार है बोलो? साइंस के चमत्कार है. तो थोड़ा पाखंड से दूर रहें. ओके, अज्ञानता से दूर रहें. ऐसा कुछ होता नहीं, ये प्योरली क्या है? साइंस. एक बार फिर भी लेकिन अपने छोटे महाराज के लिए तालियां हो जाए. सभी लोग अपने अपने चेयर एकदम प्यार से लेके ऊपर चलेंगे, उसके लिए वहाँ से शुरुआत होगी.